पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की घोषणा के विरोध में विजयवाड़ा समेत अनेक शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। विजयवाड़ा में बड़ी संख्या में छात्रों और अन्य लोगों ने एकीकृत आंध्र प्रदेश की मांग के समर्थन में किया प्रदर्शन। प्रशासन ने विभिन्न शहरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। बसपा प्रमुख मायावती ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग मानने के कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। लखनऊ में प्रेस वार्ता में बसपा प्रमुख ने कहा कि इससे तेलंगाना में विकास का काम तेज होगा और लोगों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इसका स्वागत करते हुए इसे लोगों की जीत बताया। तेलंगाना के गठन के बाद छोटे राज्यों के गठन की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल ने आज अलग पूर्वांचल राज्य की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है और वहां पर काफी संख्या में मानव संसाधन है। गोरखा जन मोर्चा द्वारा सोमवार से आयोजित 72 घंटे का बंद आज भी जारी। इन्होंने शुक्रवार तक पर्यटकों से दार्जिलिंग को छोड़ देने को कहा। इससे पहले जीजीएम प्रमुख और जीटीए कार्यकारी विमल गुरंग ने गोरखालैंड राज्य के गठन की मांग को तेज करने के लिए जीटीए से इस्तीफा दे दिया। कंपनी कानून और सेबी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय और समूह की दो कंपनियों को समन जारी किया। उन्हें 30 सितंबर को अदालत में हाजिर होने को कहा गया। शेयर बाजार आज नरमी के साथ खुले। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 147 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी में भी 53 अंकों की गिरावट हुई। शेयर बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह रिजर्व बैंक द्वारा विकास दर के अनुमान को घटाने को माना जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर गिरावट देखने को मिली। रुपए की कीमत में 60 पैसे की गिरावट आई। एक डॉलर की कीमत 61.07 रुपए हो गई। फेडरल बैंक की बैठक के पहले वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और भारतीय शेयर बाजार में नरमी के चलते रुपए पर दबाव बढ़ा। विकिलीक्स को खुफिया दस्तावेज लीक करने का आरोप झेल रहे अमेरिकी सैनिक ब्रैडली मैनिंग को शत्रु की मदद करने के सबसे गंभीर आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन अमेरिका के एक सैन्य अदालत ने 25 वर्षीय मैनिंग को जासूसी समेत 20 अन्य आरोपों में दोषी पाया। आगरा में जन्मे ममनून हुसैन मंगलवार को निर्विवाद रूप से पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले 73 वर्षीय हुसैन आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे व निवर्तमान राष्ट्रपति आसिफुल्ली जरदारी का स्थान लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 6 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय होंगे। दूसरी ओर अकबर बुख्ती हत्याकांड में अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इजरायली और फिलिस्तीनी वार्ताकार अगले 9 महीनों में मध्य पूर्व शांति की दिशा में निर्णायक समझौते के लिए काम करने पर हुए सहमत। इस बात की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अगले 2 सप्ताहों में या तो इजरायल या फिर फिलिस्तीन क्षेत्र में मूलभूत बातचीत होगी। मिस्र में मुर्सी सरकार के तख्तापलट के बाद से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। राजधानी काहिरा में मुर्सी समर्थक प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और अपनी सरकार की वापसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मिस्र के संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कवायद भी जारी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास एवं कथा सम्राट के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रेमचंद की आज 138वीं जयंती। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वह कुशल लेखक, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। गायन की दुनिया की बेजोड़ आवाज मोहम्मद रफी साहब की आज पुण्यतिथि। अपने जीवन में लगभग 700 फिल्मों के लिए 26,000 से भी ज्यादा गीत गाने वाले रफी साहब के दीवानों की आज भी बड़ी संख्या है।